नमस्कार दोस्तों, मैं हूं धर्मेश तीजा। मेरी खेती सच्ची खेती में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस साल उत्तर भारत के धान उगाने वाले किसानों के खेतों में एक बात कॉमन है कि सबकी फसलें जोर नहीं मार रही, मस्त नहीं चल रही। चाहे जितनी भी सेवा कर लियो, यूरिया, जिंक, DAP, पोटाश, सागरिका, बायोवीटा, बायोजाइम, कुछ भी डाल लिया हो, सब कुछ डालने के बावजूद भी मेन कारण है बारिश का ना होना। आपको पता है कि भाई हमारी धान की फसल जो है ना, मैक्सिमम टेम्परेचर 35 से 37 डिग्री तक मस्त चलती है। ज़्यादा टेम्परेचर हो जाए तो थोड़ी सी नाराज हो जाती है, स्ट्रेस में आ जाती है। 18-19 जून के बाद तो मानसून ब्रेक पर चला गया था और यही सही समय होता है धान की रोपाई करने का। आगे खेत तैयार करें तो पीछे पानी की कमी हो गई। 13 जुलाई को कुछ जगहों पर बारिश आई है और अब 18-19-20 जुलाई को अच्छी बारिश की संभावना व्यक्त की जा रही है मौसम विभाग के द्वारा। मैं ये बात कर रहा था कि जब पानी कम हो और अधिक टेम्परेचर हो तो उसके कारण धान की फसल में वो बात नहीं बनी, पूरी खादें डालने के बावजूद ही फसल जो है ना मस्त नहीं चली। अगर आपकी फसल में पौधे के बड़े पत्ते यानी कि पुराने पत्ते जो बाहर की साइड पे होते हैं वो थोड़े थोड़े पीले हैं और नए पत्ते जो अंदर की तरफ हैं बीच में हैं वो हरे हैं, तो ये समझो कि भाई यूरिया की कमी है, कोई और प्रॉब्लम नहीं है। जिंक की कमी तो जंगाल सा लग जाता है, पोटाश की कमी होती है उसमें थोड़े से लालीपन आ जाती है, तो ये समझो कि आप यूरिया की कमी। कुछ जो पीले पत्ते हैं, बड़े पत्ते हैं, उनकी नोक पे भी ना थोड़ी स्कॉर्चिंग सी आ गई है, थोड़ी सी जली हुई सी लग रही है, तो ये एक सिम्टम है। मैं आप फोटो में भी आप देख रहे होंगे, ये एक सिम्टम है कि यूरिया की कमी महसूस हो रही है पौधों को। यूरिया जो है ना वो 100% घुलनशील होती है और ये पानी में घुलकर पौधों की जड़ें के द्वारा पौधे के सिस्टम में एंटर करती है, पौधे के आखिरी कोने तक, आखिरी पत्ती तक, आखिरी नोक तक पहुंच जाती है। इसलिए इसकी कमी सबसे पहले पुराने पत्तों पर दिखाई देती है। पुराने पत्ते, बड़े पत्ते, नीचे वाले पत्ते वही पीले होते हैं। वैसे कुछ वैरायटीज़ की जैसे PR 114 उनका करैक्टर भी होता है, बड़े पत्ते पीले हो जाते हैं। जो लंबी अवधि की होती हैं, ज़्यादा फुटाव कर जाती हैं, उनकी नीचे से पत्ते पीले हो जाते हैं। लेकिन यूरिया में क्या होगा, बीच वाले जो है ना पत्ते वो हरे होंगे, साइड वाले ग्रोथ भी कम होएगी। जब पौधे छोटे होते हैं तो यूरिया की ज़रूरत कम होती है और फुटाव, टिलरिंग, कल्ले फूटने की अवस्था में यूरिया की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। वो अवस्था अब आ चुकी है, चल रही है और बारिश भी आने वाली है और आ भी चुकी है। अब फसल में कितनी यूरिया देनी चाहिए, कम दे, ज़्यादा दे, यूरिया का हमारी बढ़वार पर ही नहीं, फुटाव पर ही नहीं, बालियाँ निकलने के टाइम पर भी बहुत फर्क पड़ता है। बालियाँ निकलने के फ्लावरिंग पीरियड, मतलब कि पहली बाली निकली और आखिरी, उसके पीरियड पर भी फर्क पड़ता है। अगर ज़्यादा खाद दे देंगे तो पीरियड बड़ा हो जाता है और फसल एक साथ नहीं पकती। डिटेल में दिखाता हूँ। ये कंटेंट मैंने ग्लोबल इकोलॉजी और कंजर्वेशन ओरिजिनल रिसर्च आर्टिकल से लिया है कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाशियम का फ्लावरिंग टाइम पर भी इफेक्ट होता है। मेन ये समरी ये है कि फर्टिलाइजर इज एन इम्पोर्टेंट मेजर टू रेगुलेट फ्लावरिंग इन राइस प्रोडक्शन। एप्लीकेशन नाइट्रोजन डिलेड, अगर नाइट्रोजन हम देर से डालते हैं जब ज़रूरत है, मैंने जैसे बताया, उससे बाद में भी डालते रहते हैं तो फ्लावरिंग जो है ना लेट हो जाती है। ज़्यादा नाइट्रोजन में फ्लावरिंग लेट होती है और फास्फेट और पोटाश जो है ना जल्दी फ्लावरिंग करते हैं, और नाइट्रोजन जो है ना फ्लावरिंग ड्यूरेशन को लंबा भी कर देता है और फास्फोरस और पोटाश का इसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मतलब नाइट्रोजन एप्लीकेशन का। अब यहाँ पर भी आप देख लो, ये जो आप देख रहे हो, मैं बड़ा करके दिखाता हूँ आपको, ये जो खेत है, ये तीनों खेत जो है ना 80 दिन के ऊपर फोटो ली गई है। इस खेत में नाइट्रोजन बहुत कम डाली गई है तो फ्लावरिंग जल्दी आ गई है। ये खेत देख रहे हो, सेम डेट पे बिजाई थी और सेम डेट पे फोटो की, इस पे नॉर्मल नाइट्रोजन दी गई थी, जितनी ज़रूरत है उतनी दी गई थी, तो ये टाइमली हो रही है। और इस खेत में यूरिया जो है ना ज़्यादा डाल दी गई थी, ज़्यादा डाल दी गई थी तो फ्लावरिंग लेट हो रही है, पत्ते ज़्यादा बड़े हो गए हैं। ये यहाँ पर जो है ना बीमारियों और इंसेक्ट्स को, कीट पतंगों को अट्रैक्ट करने के लिए ये नुकसानदायक भी हो सकती है। अब जब बारिश का मौसम आ गया है, फुटाव पूरे जोरों पर है, यूरिया की कमी बिल्कुल ना आने देवे। पहली यूरिया 30 किलो जो 10-12 दिन की फसल पर देनी होती है सबने दे दी होगी, जिंक भी डाल दिया होगा। कुछ भाइयों ने दूसरी यूरिया भी जो 20-25 दिन की फसल पर देनी होती है डालते होते हैं। कम समय वाली जो फसल होती है उसमें 20-22 दिन पर डालते हैं, ज़्यादा समय वाली फसल होती है उसको जो है ना 25-26-27 दिन पर डालते हैं। जरूर से जरूर डाल दे, जिन्होंने नहीं डाली है, जिन्होंने डाल दिए 45 किलो प्रति एकड़ तो बढ़िया है। एक बात और है, यहाँ मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाई पहले डाली हुई यूरिया अगर आपको लगता है कि फसल को अच्छी तरह से नहीं लगी है, पीलापन है अभी भी, कारण चाहे कोई भी हो, बारिश का ना होना हो, टेम्परेचर का ज़्यादा होना हो, या बिजली का फेल्योर हो, या कोई और भी कारण हो,
यही स्टेज है, यही समय है, आप थोड़ा और यूरिया लगभग आधा बैग 20 से 22 किलो 25 किलो प्रति एकड़ अपनी फसल में एक्स्ट्रा डाल देवे। यही समय है आपने अपनी फसल को संभालना है, आखिरी यूरिया एक बैग प्रति एकड़ कम समय वाली फसल में 35 से 37 दिन में डालते हैं। जैसे मान लो पीआर 126 है, 35 दिन में सारी यूरिया पूरी कर देते हैं, पीआर 114 है उसको जो है ना 42, 44, 45 दिन में आखिरी यूरिया डालते हैं, क्योंकि पैनिकल इनिशिएशन स्टेज इसी समय होती है, उस समय यूरिया की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। अगर मान लो बारिशों का मौसम आ गया, बारिशें बहुत ज़्यादा भी हो गई है, तो एक ही बारी में पूरा कट्टा ना डालें, दो बारी में डाल दें, आधा आधा कट्टा करके डाल दें जैसे भी मौका मिले। यूरिया को मेन मकसद ये है कि यूरिया की जब ज़्यादा ज़रूरत है पौधों को उस समय उसको यूरिया मिलना चाहिए। दोस्तों सारी सिचुएशंस आपके सामने रख दी है, आपने अपनी फसल को देखना है, मुआयना करना है, ज़रूरत है यूरिया की तो ज़रूर डालो, नहीं ज़रूरत है तो कम डालो। ज़्यादा यूरिया डालने से देखो बीमारियाँ भी आती हैं, इंसेक्ट अटैक भी लगता है, बहुत ज़्यादा यूरिया नहीं डालनी है, लेकिन जितनी ज़रूरत है तो उतनी तो डालनी है। मेरा मेन मकसद यही है कि भाई यही समय है फसल को संभालने का। मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो जी। थैंक यू जी।